अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आप उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है आज की, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो बहुत सारी वैकेंसीज़ हमारे पास अनाउंस हुई हुई हैं उससे रिलेटेड हैं। तो गवर्नमेंट में अगर आप कोई वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। इस वीडियो में बेसिकली आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट की, और किस तरह जो है वो आपको अप्लाई करना है। आपको यहाँ गूगल सर्च बार में जाना है और गूगल सर्च बार में आपको लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखेंगे तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये जो ब्लू लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसका करियर पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। ठीक है जी, नीचे देखिए यहाँ पर इनकी न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हुई हैं 9/11/2022 को। तो आपके पास जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें तकरीबन नवंबर तक की ही अवेलेबिलिटी है। ठीक है, मतलब वो नवंबर तक दस्तयाब है। कोई 15 नवंबर तक, कोई 14 नवंबर तक, कोई 17 नवंबर तक, आप अपने हिसाब से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अगर इसको अप्लाई ऑनलाइन करती हूँ तो मेरे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस बेसिकली जॉब सर्च के लिए है, स्पेसिफिक जॉब जो मुझे अपने मतलब की करनी हो। ठीक है, मेरी अपनी इंटरेस्ट की हो। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, उसको अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ देखना है कि कौन सी वैकेंसीज अनाउंस होंगी, तो मैं डायरेक्ट इस पर करूँगी तो मेरे पास वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं नीचे आती हूँ तो मेरे पास ये जॉब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आ रही हैं। ठीक है, ये BPS के अकॉर्डिंग मेरे पास वैकेंसीज आ रही हैं, और बाकी ये नीचे जो है वो जनरल लिस्ट चल रही है वैकेंसीज़ की कि ये वैकेंसीज जो हैं वो अभी आपके पास अवेलेबल हैं। एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की जो हैं वो डिफरेंट वैकेंसीज हैं। उनमें एक वैकेंसी असिस्टेंट की है। ठीक है, अच्छा, पोजीशन असिस्टेंट की है, लेकिन वैकेंसीज इनके पास 9 है आपके पास। ठीक है जी, अच्छा जी, ये रेगुलर जॉब है, BPS इसका 15 है और 27 नवंबर तक एप्लीकेबल है, मतलब आप 27 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सपीरियंस इसमें कोई नीड नहीं है और आपकी एज मिनिमम 33 होनी चाहिए। अच्छा, इसकी मैं जॉब डिटेल्स ज़रा और देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमें जॉब को रिक्वायरमेंट्स इसकी किस तरह से देखनी है। आप व्यू जॉब पे जाएंगे तो आपके पास जॉब्स की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है जी, डिपार्टमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा है, कोटा जो है वो मेरिट बेस पर है, और मेरिट में जनरल जो आपकी सीट्स हैं वो अलग अलग प्रोविंसेस की हैं। पंजाब की 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन कहते हैं बेसिकली शहर को, उसकी 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है, बलूचिस्तान वुमेन के लिए 1 सीट है, और फाटा जनरल के लिए 1 सीट है। एक्स फाटा मतलब पहले जो फाटा कहलाता था। 5 ईयर्स ऑफ जनरल रिलैक्सेशन इज़ ऑलरेडी एडिक टू मैक्सिमम एज लिमिट, इसका मतलब है कि इसमें जो एज लिमिट है वो 33 ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप अगर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप किस तरह से करेंगे? आप जाएंगे साइन अप या लॉगिन के ऑप्शन पे। ठीक है, लॉगिन आप तब कर सकते हैं जब आप उस पर रजिस्टर्ड हों, और साइन अप जो आपको करना है वो आपको अपनी आईडी बनाने के लिए करना है। अच्छा जी, साइन अप करने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अच्छा, साइन अप के लिए आपको CNIC देना पड़ेगा अपना, उसके अलावा ईमेल एड्रेस। आप जब ईमेल एड्रेस अपना देंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन की जो मेल है आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप पासवर्ड देंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो 10 करेक्टर्स का होना चाहिए, और उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, मतलब ABCD में से कुछ और नंबर 1, 2, 3 में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, मिक्स पासवर्ड रखिएगा। फिर आप रीटाइप पासवर्ड करके साइन अप जब ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन की आ जाएगी,
और उसके बाद आपको जो है वो अपनी सर्टेन डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कौन, तो आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास एक्टिवेट योर अकाउंट। जब आप अपने मेल पर जाएंगे और वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का जब ईमेल आएगी आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी कंप्लीट करनी है अपने CV या रिज्यूमे, ठीक है जी। और वो कैसे करेंगे आप, ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे जो कि आपके एड्रेस डिटेल होंगी, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल होगी, उसके अलावा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स, कोई सर्टिफिकेशन है उसकी डिटेल्स, और कोई स्किल्स जो आपके पास हों, वो सारे स्किल्स जो है वो आप इनलिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन इस पर होगी और फिर आप जो है वो किसी भी अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आप पूरी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर जो है उसके इंटरफेस पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि वेदर आप इस क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और वो कैसे आएगा वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ करती हूँ, मैंने लॉग इन कर लिया। अब अप्लाई नाउ के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है सॉरी यू डिडंट मीट द क्राइटेरिया। देखिए जो मैंने अपनी CV इस पर बिल्ड की थी, जो मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं वो उनके सारे रिक्वायरमेंट्स जो भी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा असिस्टेंट का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है या मेरी फील्ड नहीं है असिस्टेंट की, ठीक है। जो मेरी फील्ड है वो इससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब खोलूँ और उसके लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं 35 इयर्स की हूँ और इसमें जो आपके पास एज है वो 33 इयर्स है तो भी मेरे पास जो है वो यही आ जाएगा लिखा हुआ कि सॉरी यू डोंट मीट द क्राइटेरिया, जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर सकूँगी, ठीक है जी। तो आपको करना बेसिकली ये है कि अप्लाई नाउ पे करना है तो आपके पास खुद ही बता दिया जाएगा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से कि आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है जी। बहुत सारी जॉब्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर अगर आप गवर्नमेंट में रख रहे जॉब ढूंढ रहे हैं सॉरी तो प्लीज़ इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर मैंने एक नीचे आई हूँ फूड सिक्योरिटी के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए इनको स्टाफ की ज़रूरत थी असिस्टेंट की और वो जॉब जो है वो आज 14 नवंबर को एक्सपायर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है इस वेबसाइट पर आएँ, अपने मतलब की अपने पर्सन की जॉब ढूंढें अपने इंटरेस्ट की अपने इंटरेस्ट के डिपार्टमेंट में और जल्दी से अप्लाई करें। इसके अलावा एक बात और कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जो कि नायब कासिद, चौकीदार, माली, कार ड्राइवर्स इन लोगों के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है कि मे बी यहाँ पर उनके पास कोई ईमेल का सोर्स ना हो, ठीक है जी। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बेसिकली यहाँ पर आया हुआ है तो आप एडवर्टाइजमेंट में जाएं और वहाँ जाके देखें कि वहाँ अगर इनको कोई पर्टिकुलर एड्रेस दिया हुआ है जिसमें वो अपनी CV वगैरह या जो भी कवायफ है वो भेज सकते हो तो वहाँ जो है आप लोग उस एड्रेस पे बेसिकली अपना कवायफ भेज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पता चल गई होंगी। कुछ और आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन हिट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो हो या इससे रिलेटेड कोई मेरे पास अपडेट हो तो मैं आपको बताऊँ और फ़ौरन आपके पास वो वीडियो आ जाए, ठीक है जी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।